अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिहान शेख। आज की रेसिपी आके जलेबी। उसके लिए चाहिए इस कप से 2 कप मैदा लेना है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालकर रख लेना है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। अभी इसमें थोड़ा सा येल्लो फूड कलर डाल लेना है। अभी इसमें इस कप से 1/2 कप दही को डाल लेना है। इसी कप से 1/2 कप पानी को भी डाल लेना है। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। कहीं भी गुठली नहीं रहना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, इस तरीके से रहना चाहिए। अभी इसको 10 से 15 मिनट तक साइड में रख लेना है। अभी शुगर सिरप बनाने के लिए एक बड़ा वाला पतीला लेना है। अभी उसमें इस कप से 2 कप शुगर को डाल लेना है। इसी कप से 1.5 कप पानी को भी डाल लेना है। अभी इसमें थोड़ा सा येल्लो फूड कलर डालकर शुगर सिरप बना लेना है। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से। अभी साइड में एक बड़ी वाली कढ़ाई लेना है, उसमें ऑयल डालकर गरम कर लेना है। देखिए फ्रेंड, हमारा सिरप अच्छी तरीके से बन चुका है। अभी उसमें 1/2 टेबलस्पून नींबू का रस डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके साइड में रख लेना है। देखिए फ्रेंड, 10 से 15 मिनट हो चुका है। अभी इस बैटर को इस तरीके वाला टमाटर केचप बॉटल लेना है। अभी इस बैटर को इस बॉटल में डाल लेना है इस तरीके से। बॉटल आपके पास ना हो आप दूध वाली पैकेट को भी यूज़ कर सकते हो। अभी जलेबियों को डाल लेना है। देखिए फ्रेंड, ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। गैस को मीडियम कर लेना है। अभी जलेबियों को डाल लेना है इस तरीके से। गैस मीडियम ही रहना चाहिए, इस तरीके से डाल लेना है। इसी तरीके से सारे जलेबियों को डाल लेना है। देखिए फ्रेंड, पूरे जलेबियों को डाल लिया है। अभी इसको दोनों से टर्न करते हुए गोल्डन ब्राउन हुए तक फ्राई कर लेना है। देखिए फ्रेंड, पूरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी इसको निकाल कर सिरप में डाल लेना है। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से शुगर सिरप में डाल लेना है। डालकर दोनों साइड टर्न करते हो डिप कर लेना है। अभी इसको सर्व कर लेना है। देखिए फ्रेंड, हमारे जलेबी बन चुकी है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल रिहान शेख। थैंक यू।